युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को काबू कर लिया है। गौरतलब है कि होली वाले दिन 5 बदमाशों ने मृतक सरोज पर हमला कर दिया था। इस हमले में सरोज घायल हो गया था। उसे कल्पना चावला मेडिकल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। यहां यह भी बता दें कि मृतक के परिजनों ने युवक की मौत के बाद रोड भी जाम किया था, परंतु पुलिस ने 2 दिन बाद ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। अभी 3 आरोपी फरार हैं। बताते चले कि मृतक अपने भाई पर हमला होने के बाद आरोपियों से बातचीत करने के लिए गया था। इस दौरान आरोपियों ने उस पर हमला बोल दिया था। वहीं सिटी थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा। को हमारे यहाँ होली के दिन शाम को एक झगड़ा हो गया था, जिसमें सुबह हमारे पास रुक आया था, जिसमें हमने FIR दर्ज की थी अंडर सेक्शन 323-24 में 148-49 में। तो उसके बाद क्या हुआ, ये लड़का जो था जिसकी डेथ हुई है, इसका नाम था सरोज। तो 30 तारीख को सुबह नेक्स्ट डे इसकी डेथ हो गई थी, जिसमें हमने जो FIR थी उसमें 302 ऐड कर दी थी, और उसके संबंध में आज हमने 2 आदमियों को अरेस्ट किया है। उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड लिया जाएगा, उनसे रिकवरी की जाएगी। क्या कारण था लड़ाई झगड़े का? जो मरने वाला है, डिसीज है ये, उस जो इसका छोटा ब्रदर था गोविंद उसका, और जो अक्यूज्ड है गोपाल, इनका पहले भी दशहरे पे झगड़ा हो चुका था, इनकी पुरानी रंजिश थी उसके तहत ही उनका होली के दिन की आपस में कैसा बहसी होगी, उसके कारण इनकी लड़ाई होगी, और उसी लड़ाई में जो डिसीज था सरोज उसकी डेथ हो गई थी। जो आरोपी है उनके नाम क्या है और क्या काम करते हैं? जो आरोपी है इनका नाम एक का गोपाल है और एक सोनू है, ये अपना रोजाना का दिहाड़ी वगैरह का ही काम करते हैं। एक तो है ये आनंद विहार का और एक कलंदरी गेट का। हाँ, होली वाले दिन हुआ था कलंदरी गेट पे, और इसमें जो डेथ हुई थी 2 दिन बाद इसकी डेथ हो गई थी। क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? सर इसमें जो बाय नेम 2 अक्यूज्ड हैं उनका तो अरेस्ट कर लिया गया है, उसके बाद 3 नाम और आइडेंटिफाई हुए हैं, उनको भी हम 2 या 3 दिन के अंदर उनको अरेस्ट करेंगे। और जो ये 2 आदमी अरेस्ट हुए हैं, इनसे एक हमने मोटरसाइकिल और डंडे वगैरह बरामद करने हैं जो अपना घटना में प्रयोग हुए। हाँ जी, आपस में पहले भी इनकी लड़ाई होती रहती थी, और जो इसका छोटा ब्रदर है डिसीज का गोविंद, और इसकी गोपाल की पहले भी झगड़े हो चुके हैं। सर पहले भी कोई मुकदमा नहीं? हमारे पास FIR कोई अभी दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। रिमांड लिया जाएगा? हाँ जी, इनका 1 दिन का रिमांड लेंगे, इनसे डंडा और मोटरसाइकिल बरामद करेंगे। कितनी उम्र है इनकी? थोड़ी उम्र है जी, 18 साल का और 20 साल का लड़का। अभी कार्रवाई की जा रही है? बस अभी जो हमने अभी तक पूछताछ की उसमें 3 आदमियों का नाम हो रहा है और हमारी टीम में गई हैं, उनको भी जल्दी जल्दी अरेस्ट करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक